जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है और सबको जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के एक चैप्टर की, और इस सामाजिक विज्ञान के चैप्टर का नाम है आपके मौलिक अधिकार। पिछले कुछ क्लासों के अंदर हमने बात की थी संसद की, और उसके पहले हमने बात की थी उद्देशिका की, या उद्देश्य आपके प्रस्तावना की। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों की, या इनको कहते हैं अंग्रेजी में अगर इनको कहा जाए तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख और इन मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान में क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे भारत के संविधान में कहां पर है। तो भारत का संविधान जो बहुत बड़ा विश्व का लिखित संविधान है, और इस भारत के संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद या धाराएं कह दीजिए, एक्ट कह दीजिए, एक ही बात है, 395, 395 अनुच्छेद। और उसके बाद में जो है 22 भाग, या इसको कह सकते हैं अध्याय, 22 अध्याय या भाग है। इसके बाद में 12 अनुसूचियां, तो ये जो हमारे भारतीय संविधान का कुछ स्ट्रक्चर या ढांचा है। तो इसके हम लोग कह सकते हैं कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार के इस विशाल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर है, और ये मौलिक अधिकार कहां से कहां तक लिखित है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं भारत के संविधान में भाग, या इसको अध्याय कह सकते हैं, अध्याय 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान की भाग संख्या या अध्याय संख्या 3 में उल्लेखित है। और भारत के संविधान के अंदर मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, और ये 7 जो राइट्स या मौलिक अधिकार थे, ये मौलिक अधिकार थे धारा 12 से लगा करके 35 के बीच में उल्लेखित थे। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने हैं मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 7, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। अब ये मूल अधिकार भाग संख्या या अध्याय संख्या 3 में उल्लेखित है, और ये जो है धारा 12 से लेकर के 35 तक ये उल्लेखित माने जाते हैं। धारा 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35 के बीच में ये पर लिखे हुए हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकार जो है वो हमारे भारत के संविधान में कहाँ से आए और कहाँ से लिए गए। तो भारत के संविधान में ये मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और इसके अंदर 12 से लेकर के 35 तक जो है धाराएं हैं, इसके अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब ये 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मौलिक अधिकार संख्या 1, पहला अधिकार जो है जिसका नाम है समता का अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। छठा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हमारे भारत के मूल संविधान के अंदर छह मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब ये कौन कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। समता का अधिकार धारा 14 से लेकर के 18 के बीच में लिखित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद के बीच में है। शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है धारा 23 और 24 में लिखित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 के बीच में वर्णित है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में लिखित है। संपत्ति का अधिकार धारा 31 में वर्णित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार धारा 32 में लिखित है। तो यह इस प्रकार से हमारे भारत के अंदर जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों के अंदर ये अधिकार लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है और कौन सा मौलिक अधिकार रखा गया है? तो देख सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो धारा 31 में लिखित था। इस मौलिक अधिकार को जो है हटा करके जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इस कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। धारा 300 कम है, इसको जोड़ दिया गया है। पहले जो 31 के अंदर वर्णित था इसको हटा करके धारा 300 कम में जोड़ दिया गया है। और ये हुआ है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर इसको हटा करके, मौलिक अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हमारे पास में जो मौलिक अधिकार बचे हैं उनकी संख्या है 6। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो 6 मौलिक अधिकार आप लोगों के पास में बचे हैं, इनमें से पहला अधिकार पढ़ते हैं आज, और इस अधिकार का नाम है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार क्या कहता है और इसके अंदर कौन कौन सी धाराओं में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, इसके लिए भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 धारा 14, धारा 15, धारा 16 और धारा 17 और धारा 18। तो देखते हैं धारा 14 में लिखा हुआ है विधि के समान संरक्षण, और विधि के समक्ष संरक्षण। यानी कि विधि का मतलब होता है कानून। धारा 14 कहती है कि कानून के सामने या कानून के साथ सब जो है समान है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। कोई भी जाति, वर्ग, वर्ण, समुदाय, संप्रदाय का व्यक्ति है तो वो कानून के लिए बराबर है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि कानून के अनुसार हम सब क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं।
तो धारा 14 के तहत विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के साथ सभी बराबर है और विधि के साथ सभी समान माने जाते हैं। कानून के सामने कोई ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। धारा 15 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म स्थान, लिंग, वर्ण, जाति और संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति जो है वो समान है। जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय के आधार पर सभी व्यक्ति क्या है, समान है। ना कोई जाति ऊंची है ना कोई जाति नीची है, ना किसी के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ना कोई लिंग के आधार पर, ना वर्ण, जाति या संप्रदाय के आधार पर, किसी के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो सबके सब साथ बराबर माना जाएगा। धारा 16 कहती है लोक नियोजन में समान अवसर, अर्थात सरकारी नौकरियों में सबको समानता का अधिकार। कोई भी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय का व्यक्ति हो तो सरकारी नौकरी में सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। किसी जाति के व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ये नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि धारा 16 कहती है कि लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ण के व्यक्ति है उसको सरकारी नौकरी में उसको बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा। आगे है धारा 17 बहुत बड़ा रखती है आप लोगों के सामने खतरा, तो इसका भी हम लोगों को रखना है। धारा 17 कहती है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कोई भी जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय के व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय के व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कि भेदभाव को समाप्त करना। कोई व्यक्ति किसी के आधार पर किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता, किसी जाति, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो धारा 17 के तहत उसको कानूनी दंड दिया जाता है। इसके बाद में है धारा 18 कहती है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है कि पहले के जमाने में राजा, महाराजा, राव, महाराव, राणा, महाराणा, इस प्रकार की हर व्यक्ति जो है उपाधि धारण करता था, उन सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है और अब केवल दो क्षेत्रों के अंदर ही उपाधियां दी जाती है। एक तो है शिक्षा का क्षेत्र और दूसरा है सेना। शिक्षा के अंदर कोई व्यक्ति उसको आपके उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसको जो है भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, इस प्रकार की उपाधियां उसको दी जाती है। और सेना के अंदर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, जनरल वगैरह वगैरह इस प्रकार की उपाधियां दी जाती है। तो धारा 18 जो है वो सरकारी उपाधियों को देती है और जो प्राचीनकालीन जो उपाधियां थी उनको समाप्त करती है। तो ये समता का अधिकार का मतलब है समानता का अधिकार, विधि के समान संरक्षण, जन्म स्थान, लिंग, वर्ण, जाति, संप्रदाय के आधार पर सबको बराबर माना जाएगा, लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिए जाएंगे, अर्थात सरकारी नौकरियों में सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा, और धारा 17 अस्पृश्यता का अंत जो है भेदभाव समाप्त किया जाएगा जाति आधार पर, और उपाधियों का अंत धारा 18। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक राइट्स, एक मौलिक अधिकार पढ़ा है जिसका नाम है समता का अधिकार। कल हम लोग बाकी 6 मौलिक अधिकार हैं, 5 बचे हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप लोगों को कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो बिल्कुल आप फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हैं और आप लोगों को जो है आपकी समस्या का समाधान होगा। जय श्री कृष्णा।